यह एक तूफानी दोपहर थी जब सपनवशी रयान अपनी माँ के साथ घर पर अकेला था। ज्यादातर दिनों की तरह वह धुंधले पुरानी गंध वाले बेसमेंट की ओर खींचा चला गया, जहां उसने घंटों अपने वीडियो गेम में डूबे रहने का आनंद लिया। बेसमेंट बड़ा और अजीब तरह से शांत था, सिवाय पास के लॉन्ड्री रूम में कपड़े धोने की मशीन की हल्की गुनगुनाहट के। रयान को लॉन्ड्री रूम कभी पसंद नहीं था, यह हमेशा उसे बुरा महसूस कराता था, लेकिन आज कुछ अलग था। जब वो खेल रहा था, अचानक उसे एक हल्की चरमराहट की आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर देखा और ठीक उसी समय देखा कि लॉन्ड्री रूम का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। उसकी मां ने इसे पहले बंद किया था, वो इसके बारे में निश्चित था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद से कहा कि शायद ये बस हवा का असर था। फिर भी बेसमेंट में कोई खिड़की नहीं थी। दरवाजा और चरमराने लगा और रयान को अपनी रीढ़ में एक ठंडी सहरन महसूस हुई। उसने अपना गेम रोका और पुकारा, मां, कोई जवाब नहीं आया। वो खड़ा हुआ, धीरे धीरे लॉन्ड्री रूम की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा, वो पूरी तरह खुल गया। अंदर एक छायादार आकृति धुलाई की मशीन पर बैठी थी, पैरों को क्रॉस करके जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। रयान की सांस थम गई। नमस्ते रयान, उस आदमी ने अजीब परिचय के साथ कहा। वो मृतराज था, उसकी गहरी आंखें मंद रोशनी में चमक रही थी। रयान ने कदम पीछे हटते हुए, उसकी धड़कन तेज हो गई। मैं तुम्हारा चाचा हूँ, मैंने तुम्हें याद किया, आदमी ने जारी रखा। उसकी आवाज अजीब तरह से शांत थी। रयान का कोई चाचा नहीं था, उसके परिवार ने कभी भी ऐसा किसी के बारे में बात नहीं की थी। घबराकर वो ऊपर की ओर दौड़ा और अपनी माँ को रसोई में पाया। माँ बेसमेंट में एक आदमी है, उसने चिल्लाया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी माँ का चेहरा पीला पड़ गया। उसने फोन उठाया और तेजी से नीचे गई। आदमी अभी भी वही था, धुलाई की मशीन पर बैठा जैसे किसी का इंतजार कर रहा। पुलिस को आने में सिर्फ कुछ ही क्षण लगे। जब वे आए तो उन्होंने पाया कि वो आदमी वास्तव में रयान का पराया चाचा था, एक रिश्तेदार जिसे कई साल पहले परिवार से बहिष्कृत कर दिया गया था। अंधेरे अपराधों के लिए जिनका बच्चों के सामने उल्लेख करना भी सुरक्षित नहीं था, वो दिनों से बेसमेंट में छिपा हुआ था, देख रहा था, इंतजार कर रहा था। रयान के चाचा को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और भयानक सच सामने आया। उसे बाल शोषण के लिए परिवार से बहिष्कृत कर दिया गया था और वो हाल ही में जेल से भाग निकला था, यह सोचकर कि वो उस एक जगह शरण पाएगा जहां कोई उसे खोजने नहीं आएगा। उनका अपना घर। रयान के अंकल की गिरफ्तारी के बाद सब कुछ सामान्य लगने लगा। उसकी मां ने उसे आश्वासन दिया कि वो आदमी फिर कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि उसे अब जेल में बंद कर दिया गया था। लेकिन एक अनकही दहशत अभी भी घर में मंडरा रही थी, जिसे रयान समझ नहीं पा रहा था। उसे अक्सर रात में डरावने सपने आते, जिसमें वही अंधेरा साया उसे छुप कर देख रहा होता, जैसे वो अभी भी कहीं पास हो। कुछ हफ्तों बाद रयान के अंकल को कोर्ट में अंतिम सजा के लिए जेल से ले जाया जा रहा था। रास्ता सीधा था जेल से कोर्ट तक, एक घने जंगल से होकर गुजरना था जो कस्बे के किनारे पर था। उस सुबह दो पुलिस अधिकारियों ने रयान के अंकल को हथकड़ी में बांध कर जेल के ट्रांसपोर्ट वाहन में बैठाया। वे ये नहीं देख पाए कि उसके चेहरे पर एक हल्की रहस्यमय मुस्कान थी। जैसे ही वे जंगल में घुसे, माहौल
अचानक बदल गया पेड़ों की शाखाएं रास्ते को लगभग ढकने लगी और एक गहरा भारी कोहरा चारों ओर फैल गया। ड्राइवर अधिकारी ने गाड़ी गिरफ्तार धीमी कर दी और अपने साथी की ओर देखा। इस कोहरे की तो कोई भविष्यवाणी नहीं थी, उसने कहा। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। तभी रेडियो में से सिर्फ हल्की सी सरसराहट आने लगी, जैसे सिग्नल ही गुम हो गया हो। अचानक वाहन एक झटके से रुक गया, इंजन बंद हो गया, जैसे किसी ने बटन दबाकर उसे बंद कर दिया हो। दोनों अधिकारियों ने हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने वाहन को फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। एक अधिकारी नीचे उतरा और इंजन देखने के लिए बोनट खोलने लगा, लेकिन जैसे ही वो वाहन से बाहर आया, वो खिसक गया। जंगल जो पहले बिल्कुल शांत था, अब अचानक अजीब धीमे स्वर में गूंजने लगा, जैसे पेड़ खुद कुछ फुसफुसा रहे हो। कोहरा और गहरा हो गया और अधिकारी की टॉर्च अचानक चमकने लगी और फिर पूरी तरह बुझ गई। तभी वाहन के पीछे से धातु की चैन गिरने की आवाज आई। अंदर बैठे दूसरे अधिकारी ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि रियान के अंकल की हथकड़ियां फर्श पर पड़ी थी खाली। उसके शरीर में सहम दौड़ गई और वो अपनी बंदूक निकालने के लिए मुड़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रियान का अंकल गायब हो चुका था। अधिकारियों ने पूरे जंगल में उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। ऐसा लगा जैसे वो कोहरे में घुल मिल गया हो, पीछे सिर्फ ठंडी हवा और एक अजीब डर का एहसास छोड़ गया। बाद में जब जांच की गई तो कुछ बहुत ही अजीब बातें सामने आई। वाहन में कोई खराबी नहीं थी, इंजन और इलेक्ट्रिकल सिस्टम पूरी तरह से सही थे, और टेहरा वो भी अचानक से आया था। और जैसे ही वो गायब हुआ, आस पास की स्थिति सामान्य हो गई। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि जिस सड़क पर वे चल रहे थे, वो कोर्ट की ऊंचाई नहीं थी। किसी तरह वाहन जंगल के सबसे घने हिस्से में पहुंच गया था, जगह जिसे स्थानीय लोग गायब होने वाला जंगल कहते थे, जहाँ से कई लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके थे। रियान का अंकल फिर कभी नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कि वो अब भी उस जंगल में छुपा हुआ है, अंधेरे में कहीं सही समय का इंतजार कर रहा है लौटने के लिए। The End. Story by Chandan Malana. If you enjoy our stories and love reading, take a moment to explore our collection of storybooks and poetry. Find the link in the description below to delve into our captivating tales and poetic works. Please like this video and subscribe to my channel for more such content. Thank you.